मुख्यधारा का मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कुछ लोग घोषित रूप से साथ हैं, कुछ लोग घुमा फिरा के उसके साथ हैं। उन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है और अभी निकट भविष्य में सत्ता उसके हाथ से जाने वाली नहीं है। मीडिया एक कैपिटल इंटेंसिव गेम है, पूंजी सघन खेल है, हजारों करोड़ रुपए एक एक चैनल में लगे हुए हैं, और जिस तरह की सरकार भारत नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो अपने आलोचकों को न बर्दाश्त करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि सारे आलोचकों को उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उनके पास आलोचकों की बात के प्रति लापरवाही बरतना, उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखना, उनकी खिल्ली उड़ाना, ये इस तरह की युक्तियों से लेकर और भी कई तरह की युक्तियां हैं जो वो अपने आलोचकों के प्रति इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी या मीडिया को भाजपा परस्त बताते हैं तो मोटे तौर पर उनकी बात सही है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब जब कांग्रेस ने एक बड़ी पहलकदमी ली है, कोई नई बात करने की कोशिश की है, तो मीडिया ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। मुझे याद है जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, उस वक्त मीडिया में पूरे दिन तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ के किसी और को दिखाया ही नहीं था। ये तो अलग बात है, प्रियंका गांधी उस लॉन्च में कुछ बोली ही नहीं, एक तरह से वो पूरा का पूरा मामला फिजल आउट हो गया। तो अगर राहुल गांधी कुछ करते हैं, जैसे यात्रा ही है, यात्रा अगर मीडिया यात्रा को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देता तो ऐसा भी नहीं हुआ कि मीडिया ने यात्रा को पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया हो। यात्रा जहां जहां गई, यात्रा के प्रमुख मुकामों को मीडिया में दिखाया गया। अब जितना राहुल गांधी चाहते हैं उतना नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन ये मानना उचित नहीं है कि यात्रा को पूरी तरीके से मीडिया ने ब्लैकआउट किया। और जब राहुल गांधी की यात्रा को काफ़ी दिखाया गया है मीडिया में, और मीडिया अगर इतना नहीं दिखाता तो शायद यात्रा को इतना महत्व नहीं मिलता जितना महत्व बाद में मिला, खासतौर से शुरुआत के चरण में यात्रा को दिखाया गया और फिर बाद के चरणों में भी आज यात्रा को दिखाया गया, बीच के चरणों में जरूर मीडिया ने थोड़ा सा मीडिया यात्रा से अनुपस्थित रहा। जी जी जी।